अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान खान और आज मैं बताने वाला हूँ कि रेस्ट शॉट या स्टैंड शॉट कैसे खेलते हैं। गाइज़ मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ग्रिप कैसे बनानी है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल तीन उंगलियों से पकड़ना है और दो उंगलियाँ नीचे रखनी है। हम अंगूठे को नीचे रखने हैं, दो उंगलियाँ ऊपर रखनी है और दो बिल्कुल बंद रखनी है दो उंगलियाँ। फिर ऐसा ऐसा क्यूइंग करनी है, क्यूइंग करते रहें। एक दफ़ा मैं आपको फिर बता दूं, ये दो उंगलियाँ से इस तरफ पकड़ना है, तो अंगूठे को नीचे और दो उंगलियाँ ऊपर और दो नीचे उंगलियाँ साइड पर रखनी है। ये देखें, तो चलते हैं क्यूइंग करते हैं। ये देखें, रेस के ऊपर हाथ रखने, नीचे स्टैंड जो पड़ा है उसके ऊपर दो उंगलियाँ रखनी है और तीन उंगलियाँ रखनी है और दो साइड पर रखनी है। और फिर ऐसा ऐसा क्यूइंग करनी है इस तरह। ये आराम से रोज़ाना 100 दफ़ा इस तरह क्यूइंग करें, बग़ैर उठे इस तरह 100 दफ़ा करते रहें आराम से। थोड़ा सा मैं कैमरा दूर करूँगा ताकि आपको नज़र आए कि मैं क्यूइंग का क्या मतलब है। ये देखें कि भी इस तरह क्यूइंग करने से आपकी गेम में बहुत ही फ़र्क आएगा, आपकी रेस्टोरेंट में बहुत फ़र्क आएगा। तो गाइस इसी तरह क्यूइंग करते रहें, रोज़ाना 100 दफ़ा करते रहें और 100 दफ़ा करने से पहले ना उठें, रोज़ाना इसी तरह 100 दफ़ा करते रहें। तो चलते हैं ड्रिल की तरफ के ड्रिल में क्या बताता हूँ मैं आपको। आपको 10 रेडें नज़र आ रही हैं, 9 रेडें हैं, तो यहाँ पे हमने क्यू बॉल की प्लेस को चेंज करते जाना है और ब्लैक पॉट करते जाना। तो चलो लेट्स पॉट करते हैं। ये हमने क्यूइंग की और फिर आस्था से ब्लैक को पॉट किया। अगेन फिर से हम ब्लैक बनाएंगे और रेड की प्लेस पे क्यू बॉल रखेंगे, अगेन पॉट करेंगे। आपने 100 दफ़ा रोज़ाना इसको पॉट करना है डेली। अभी हम फिर से रेड बनाएंगे, रेड की प्लेस चेंज करेंगे और वहाँ पे क्यू बॉल रखेंगे और फिर से ब्लैक बनाएंगे। इसी तरह रेड की प्लेस चेंज करते जाएं, क्यू बॉल रखते जाएं वहाँ पे और पॉट करते जाएं। अगर आप ये ड्रिल 10 दफ़ा करेंगे आपकी 100 शॉटें पूरी हो जाएंगी, तो और आपकी गेम में बहुत ही इम्प्रूव होगा। कुछ दोस्तों ने कहा था कि रेस्ट के बारे में वीडियो बनाओ, रेस्ट के बारे में, तो ये रेस्ट के बारे में वीडियो है, आ गई है दोस्तों। अगर पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ भी। इसी तरह पॉट करेंगे फिर से। तो गाइस सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गेम में बहुत ही फ़ायदा आएगा और आपकी गेम इम्प्रूव हो जाएगी। गाइस तो सिर्फ देखें नहीं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है गेम बनाने के लिए। इस गेम में प्रैक्टिस के बगैर गेम खेलना बहुत मुश्किल है। कुछ लड़के थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं 5-10 मिनट, फिर बोरिंग फील करते हैं। जो लोग बोरिंग फील करते हैं उन लोगों को इस चीज़ का शौक ही नहीं है। तो अगर आपको इस चीज़ का शौक है और कुछ बनना चाहते हैं तो गाइस प्रैक्टिस करें। मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो इतनी मेहनत से प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कहता हूँ एक दिन मुझे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए सही प्रैक्टिस करता हूँ, 3-4 घंटे कभी करता हूँ, कभी 5, कभी 6। मैं कहता हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उतनी ज़्यादा गेम मेरी इम्प्रूव होगी। तो आप भी अपनी गेम इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करें रोज़ाना। और अगर किसी को प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो 18 घंटे प्रैक्टिस करनी है और 6 घंटे नींद और कुछ भी नहीं करना, तभी आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं जल्दी टाइम में। फिर से साइड चेंज की और इस साइड से हम 5 रेडों की जगह क्यू बॉल रखेंगे और ब्लैक पॉट करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। तो यहाँ पे हम फिर से दूसरी रेड की जगह से ब्लैक पॉट करेंगे। गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जब शॉट मारनी है तो अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टडी रखना है, बिल्कुल नहीं हिलना अपने शॉट के अंदर। सिर्फ ये जो बाजू और एल्बो है सिर्फ इसको आगे मूव करना है, बॉडी को बिल्कुल हिलने नहीं देना, तो आपकी शॉट में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। मैंने तो क्लबों में कुछ ऐसे लड़के भी देखे हैं कि रेस्ट अलाउ नहीं है, उनको ऐसे खेला नहीं आता तो कहते हैं यार रेस्ट अलाउ नहीं था हमारे गेम में, ये वो है बहाने शुरू कर देते हैं। उनसे रेस्ट खेलना ही नहीं आता, तो जो उनको खेलना नहीं आता वो भी इस रेस्ट की प्रैक्टिस करें ताकि आप कहीं पर शर्मिंदा ना हो, ये ना कहें कि अलाउ नहीं है, ये है वो है। तो गाइस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गेम बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। गाइस आप जब गेम खेलते हैं तो सही टाइम लेके शॉट खेलें, ऐसे खेलें जैसे आप प्रोफेशनल खेल रहे हैं, सही आराम से टाइम लें, सही क्यूइंग करें, फिर आप शॉट खेलें तो आप गेम में बहुत ही फ़र्क आएगा।
और आप आराम से खेलें। आप कभी रोनी की गेम देख लें, बहुत ही आराम से खेलेगा। मार्क सेल्बी की देख लें, बहुत ही आराम से खेलेंगे। सही सोच समझ के आप शॉट खेलें। खैर शॉट गलत हो भी जाए तो फिर कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अगर अच्छी ना लगी तो डिसलाइक कर दें, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी।